तो मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ मुमरा स्टेशन पे, जैसे ठीक मेरे सामने मुमरा स्टेशन है। और इस मुमरा स्टेशन का इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि आज मैंने देखा कि जो वाई जंक्शन है, जैसे बाईपास है मुमरा जो सिलपाटा के लिए जाता है, वहाँ से लेके मुमरा स्टेशन तक हमने एक दौरा किया और यहाँ पे किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियाँ मतलब उड़ाई गई हैं और किस तरीके से रात को रिक्शा जो है खुले आम चल रही हैं। यहाँ पर कोई इस चीज़ का जो है रोक या कोई जो है मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इस चीज़ को रुकाया जाए, क्योंकि इस चीज़ के वजह से क्या लोगों को जब सहूलियत मिल रही है तो सहूलियत के वजह से खाली वो मुमरा स्टेशन जा रहे हैं और गुलाब पार्क जा रहे हैं, खाली घूमने के लिए जा रहे हैं। लोग जो है मतलब एक कोई काम के लिए नहीं निकल रहे, सिर्फ फजूल घूमने के लिए निकल रहे क्योंकि उनको सहूलियत मिल रही है आने जाने के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर जो है प्रशासन भी एक ध्यान दे, क्योंकि इस चीज़ पर अगर ध्यान देगी तो शायद जो पब्लिक जमा हो रही है और जो लोग इधर उधर घूमने फिरने जा रहे हैं, ऐसे लोग जो है रुकें और अपने घरों में रहेंगे, अपने एरिया में रहेंगे। जैसे स्टार्ट में जब किया गया था कि हर जगह जगह पे नाकाबंदी करके ऐसे जो फोर व्हीलर टू व्हीलर या रिक्शा चालक थे इनको रुकाया गया था, इसी तरीके से अगर वापस से एक नज़ारा अगर मुमरा कौसा में किया जाएगा तो शायद हो सकता है कि इस भीड़ से जो है निजात कहीं ना कहीं मिल जाएगी और कोरोना वायरस भी फैलने से कहीं ना कहीं बच जाएगा। दूसरी चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का नज़ारा जो है वाई जंक्शन से लेकर और मुमरा स्टेशन तक का।
शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।